दर्शकों, अगर हमारे देश की बात की जाए तो हमारे देश में कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिनकी पूजा करने के लिए यानी कि भगवान के दर्शन करने के लिए अक्सर दूर दराज से लोग आते हैं। वहीं अगर बात की जाए भगवान श्री कृष्ण की तो उनकी तो लीला ही अपरंपार है। जी हाँ दर्शकों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा एक ऐसा राज जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, और जब आप इस राज को जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। चलिए बताते हैं आपको, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दर्शकों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं श्री कृष्ण की रास रचाने के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वाकई में भगवान श्री कृष्ण आज भी रास रचाने के लिए आते हैं? लेकिन ऐसा है। जी हाँ दर्शकों, आपको बता दें कि माना जाता है कि आज भी श्री कृष्ण एक जगह पर रात के समय रास रचाने के लिए आते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धार्मिक नगरी वृंदावन बेहद ही मशहूर है श्री कृष्ण और राधा को लेकर। वहीं यहाँ पर एक रहस्यमय जगह है जिसे निधिवन के नाम से जाना जाता है। निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थान है। वहीं यहाँ पर मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा आज भी आधी रात के बाद रास रचाने आते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित जो महल है रंग महल, उसमें वो शयन करते हैं, और रंग महल में आज भी माखन मिश्री प्रसाद के रूप में रखा जाता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि उनके शयन कक्ष में पलंग लगाया जाता है, और वहीं जब इन बिस्तरों को देखा जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर निश्चित ही रूप से कोई रात में विश्राम करने आया और प्रसाद भी उन्होंने ग्रहण किया है। वहीं लगभग 2.5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है निधिवन, जहाँ पर वृक्षों की खासियत ये है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे आपको। जैसा कि आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे कि सभी वृक्ष अलग ही अलग मुद्राओं में नजर आते हैं। वहीं इन वृक्ष की डालियाँ नीचे की ओर झुकी हुई हैं, तो वहीं आपस में इस गुत्थी को अभी तो कोई नहीं सुलझा पाया है, और गुत्थी ऐसी ही प्रतीत होती है। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि निधिवन परिसर में संगीत सम्राट और धूपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि, रंग महल और बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल, वहीं राधा रानी वंशी चोर दर्शनीय स्थान है। इतना ही नहीं, निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडे पुजारी गाइड के द्वारा ही निधिवन के बारे में जानकारी दी जाती है। वहीं कहा जाता है कि निधिवन में हर रोज रात में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा, बहरा, गूंगा और पागल हो जाते हैं। वहीं इस रासलीला के बारे में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होंगी, तो चलिए आपको बताते हैं कि कहा जाता है कि इसी कारण यहाँ पर रात को 8 बजे के बाद पशु पक्षी और इस परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी सभी यहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ जो भी रात को रुक जाते हैं वह सांस्कारिक बंधन से मुक्त भी हो जाते हैं। जो मुक्त हो चुके हैं उनकी समाधियाँ परिसर में ही बनी हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि निधिवन में 16,000 आपस में गुंथे वृक्ष दिख ही रहे होंगे आपको इन तस्वीरों में। वहीं रात में श्री कृष्ण की ये 16,000 रानियाँ बनकर रास रचाती हैं। रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के रंग महल में विश्राम करते हैं, और सुबह 5:30 बजे रंग महल का पट खुलने के समय रखी दातून गीली हो जाती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात को कोई पलंग पर विश्राम करने के लिए गए हों। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि कहा जाता है कि यहाँ पर जितने भी पंडे पुजारी और गाइड लगे हुए हैं, वहीं ये सच इस प्रकार का है कि अनियमित आकार के निधिवन के चारों तरफ पक्की चारदीवारी हैं, और परिसर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है। इतना ही नहीं, परिसर का नृत्य कौर बना हुआ है और पूर्व दिशा में पूर्व ईशान कौर दबा हुआ है। ये सभी वास्तुकला के अनुसार बताया गया है। वहीं 16,000 वृक्ष भी मुश्किल से होंगे, और छतरी की तरह फैलाव हुए कम ऊंचाई के वृक्ष शाखाएं इतनी मोटी नहीं हैं और ना ही मजबूत हैं कि दिन में दिखाई देने वाले बंदर और रात में इन पर विश्राम कर सकें, और इसी कारण से रात्रि को यहाँ से वो चले जाते हैं। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ की दीवारों के बारे में कि 10 फीट ऊंची हैं, और बाहर के चारों ओर
रिहायशी इलाका है। चारों ओर दो दो तीन तीन मंजिला मकान भी बने हुए हैं। इतना ही नहीं, ये वो स्थान है जहां पर रात के समय रासलीला होना बताया जाता है और निधिवन के बीच के भाग से थोड़ा दक्षिण दिशा की ओर खुलने में स्थित है ये। इतना ही नहीं, अगर ये सच है कि रासलीला देखने वाले अंधा गूंगा बहरा हो जाए तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही आसपास के रहने वाले इस इलाका को छोड़कर चले जाते। लेकिन दर्शकों, फिर भी इस जगह की मान्यता है। इतना सारा अंदाजा लगाने के बाद भी यही कहा जाता है कि वाकई में श्री कृष्ण यहाँ पर आज भी आते हैं। बता दें आपको कि निधिवन वृंदावन नगर के उत्तरी भाग में है और यहाँ पर यमुना नदी करीब 300 मीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर उत्तर दिशा के वास्तु कला के अनुसार के कारण निधिवन प्रसिद्ध है और इसी के साथ निधिवन परिसर को उत्तर ईशान और पूर्व ईशान दक्षिण आग्नेय का मार्ग प्रहार है। वहीं आपको ये भी बता दें कि शुभ मार्ग प्रहार है निधिवन परिसर की प्रसिद्धि बढ़ाने में सहायक। लेकिन दर्शकों, आपको श्री कृष्ण के बारे में ये बातें जानकर कैसा लगा? क्या आपको भी लगता है कि क्या वाकई में भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ पर राधा के साथ रास रचाने के लिए आते हैं? ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज से। प्रांशिक रिपोर्ट।